मुझे बोलना उचित नहीं है। जब नेता ही बात रख चुके हैं तो हम अब हमको बोलने का क्या मामला। और हमारे तरफ से कोई गीला शिकवा या जो कुछ बोली है उस विषय पर कोई मलाल नहीं है। और अब उनके मन में क्या है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता से क्या आशा रखेंगे कि वो लोग अच्छा बात बोले। वो लोग तो ऐसे बोलते ही रहते हैं, बौखलाहट में बोल रहे हैं और सब देश की जनता देख रही है। 2024 में सब दिख जाएगा। नमस्कार, लाइव स्टीज देख रहे हैं। मेरा नाम उत्कर्ष है। इस वक्त मेरे साथ बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह हैं। मैडम, बीते दिन जो घटना हुई है उसको लेकर क्या कहेंगी? बीमा भारती जी ने आप पे आरोप लगाया था उसको। देखिए, पिछले दिनों जो कुछ भी वो बोली थी मेरे विषय में, तो उस विषय पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे नेता, उनके बोलने के बाद बात रख चुके हैं। तो उसके बाद उस विषय पर मुझे बोलना उचित नहीं है। जब नेता ही बात रख चुके हैं तो हम अब हमको बोलने का क्या मामला बनता है। सवाल उसमें मैम ये भी है कि मानहानि का जो आप पे बात आया था कि आपने मानहानि का मुकदमा किया था, क्या उस पर क्या वापस लेंगी या वो अभी भी रहेगा? देखिए, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई और हमारे तरफ से कोई गीला शिकवा या जो कुछ बोली है उस विषय पर कोई मलाल नहीं है। और अब उनके मन में क्या है वो जाने। उनके मन में क्या मैम, एक बात और भी आ रही है, गिरिराज सिंह ने आज साफ कह दिया है कि नीतीश जी तो अलग हो गए हैं लेकिन क्या फ़ायदा हुआ, जब KCR आए तो उनको उठा बैठक करा रहे हैं, कभी उठा रहे हैं कभी बैठा रहे हैं, इज्जत क्या बची, अब तो जा रहे हैं खुद मिलने के लिए गांधी परिवार से। अब क्या बोलेंगे, उनसे क्या आशा हम लोग रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता से क्या आशा रखेंगे कि वो लोग अच्छा बात बोले। वो लोग तो ऐसे बोलते ही रहते हैं, बौखलाहट में बोल रहे हैं, कह तो रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल लालू जी के पास है, नीतीश जी चल रहे कहते रहे वो लोग, और सब देश की जनता देख रही है। 2024 में सब दिख जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह, जिन्होंने साफ कहा है कि और बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, वो चाहे तो बोलते रहें और 24 में जनता सब दिखा देगी। जिस तरीके से बीमा भारती का जो मामला कल आया था उसको लेकर भी साफ कह दिया है मंत्री लेसी सिंह ने कि जो स्थितियां बन रही थी बीते दिन उस पर ललन सिंह ने, यानी कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ कर दिया, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी साफ कहा है। हालांकि देखिए, बीते दिन जिस तरीके की घटना हुई थी उसको लेकर लेसी सिंह ने भी आज साफ कर दिया है, और गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरीके से नीतीश कुमार पर पलटवार किया था उसको लेकर भी लेसी सिंह कह रही हैं कि बीजेपी के पास कोई वक्त ही नहीं है बोलने का, वो जो मन करे वो बोल सकते हैं। और साथ ही साथ जब उनसे कहा गया कि रिमोट कंट्रोल की बात की जा रही है तो उस पर भी उन्होंने कह दिया कि रिमोट कंट्रोल वाली बात तो बेफालतू की है, 24 में जो सरकार होगी, जो सरकार बदलेगी वो भी समझ में आ जाएगा। यानी कि पूरा प्रकरण जो लेसी सिंह का था वो अब समाप्त हो चुका है, जिसको लेकर भी साफ उन्होंने कह दिया कि मेरा कोई बैर नहीं है। और अब साफ वो कह रही हैं कि जिस तरीके से बीजेपी जो पलटवार कर रही है नीतीश कुमार पे, KCR जब बिहार आए थे तब एक तस्वीरें भी सामने आई थी जब नीतीश कुमार को बैठने की बात कर रहे थे, KCR तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे, तो उस पर भी गिरिराज सिंह ने तंज कसा था। हालांकि लेसी सिंह ने साफ कह दिया है कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं है करने के लिए, वो सिर्फ बोलती रहती है, 24 आने दीजिए, पता चल जाएगा कि क्या होगा। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।